एक तो मौसम के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। अभी पंजाब से हम आए, काफ़ी वहाँ पे गर्मी है, तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज है। मेरा नाम इशराक खान है, मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कटक से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पाकिस्तान आर्मी में 2004 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी में मैं तो आर्मी से पहले सिविल में, मैं जब सिविल लाइफ थी तो वहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, मैं किसी मार्शल आर्ट के साथ अटैच नहीं था। लेकिन जब मैं आर्मी में आया तो आर्मी में आते ही मैंने इसको कराटे को ज्वाइन किया। तो कराटे के बाद कराटे में भी मैंने 10-12 साल लगाए। कराटे से विश्व में आने का मेरा मकसद ये था कि असल में हम आर्मी में होते हैं तो आर्मी में हमारा ये होता है कि हमने कराटे भी करनी है, वुशु भी करनी है, और भी कोई गेम होती है तो वो करनी है। मतलब कि वहाँ पे हमने जो नए रिक्रूट्स आते हैं ट्रेनिंग करके, उनको आर्मी की टीम, नेशनल टीम बनाने के लिए हमने उनको मुख्तलिफ गेमों की ट्रेनिंग देनी होती है। तो आर्मी सतह पे हमने 2 से 3 गेमें करनी होती हैं। तो ये कराटे भी विशु, जो कराटे, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, जिमनास्टिक, ये जितनी गेमें हैं तो ये आपस में रिलेटेड हैं, बॉक्सिंग हो गई। तो इस हवाले से मैंने भी कराटे से विशु में कम बैक किया, मतलब विशु में मैं आया। तो विशु में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे कराटे की नस्बत, यानी कि कराटे में मैं 72 साल रहा, लेकिन विशु में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। कराटे से जब मैं विशु में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स करने में मिस अमरीन और जो मेरे उस्ताद हैं मलिक इफ्तिखार अहमद साहब, उनका बहुत बड़ा तआवुन रहा मेरे साथ। तो उनकी मेहनत से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज इस सतह पे पहुँचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस कोटा में मैं 13 नेशनल वुशु वुमेन चैम्पियनशिप और 23rd बॉयज़ चैम्पियनशिप में मैं टेक्निकल ऑफिशियल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कोटा में आके। कोटा में हम लोग, एक तो मौसम के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है। अभी पंजाब से हम आए, काफ़ी वहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज है, कि हम जब अपने ट्रक से कोटा आते हैं ये नहीं फील करते हैं कि हम किसी बाहर किसी और डिस्ट्रिक्ट में गए, हम यही समझते हैं कि हम अपने ट्रक में ठहरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि ये लोग मेहमान नवाज हैं। तो मैं इस चैम्पियनशिप में आया आर्मी की तरफ से मैं एज ए टेक्निकल ऑफिशियल, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस चैम्पियनशिप को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम आर्मी ने वैसे ही मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में फ़र्स्ट पोजिशन भी हासिल की है। तो मैं बहुत मशहूर हूँ ये कोटा की आवाम का, कि उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, आर्मी को, आर्मी की टीम को सपोर्ट भी किया। कोविड-19 के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशांत बात है कोटा के लिए भी, और स्पेशली पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड के लिए भी, कि उसके बाद कोविड-19 को, उसके एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, कि ये उसके बाद एक इतना अच्छा इवेंट कराना जिसमें कि तमाम डिपार्टमेंट्स की टीमें, सूबे की टीमें आई, और एक इतना अच्छे इन्वायरमेंट में उनको एक फैसिलिटी दी गई। तो ये बहुत तो खुशी की बात है मेरे लिए भी, और स्पेशली ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कोटा की सपोर्ट्स के लिए। और ये कोटा, मैं कहता हूँ कि ये वो सूबा है कि जो इस आलात के बावजूद भी इतना बड़ा इवेंट कराने में कामयाब हुआ।